नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे। आप देख रहे हैं अपना चैनल टॉपिक स्टडी और आज चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स का शो। दोस्तों आज हम फिर लेके आए हैं आपके सामने 50 सवाल। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक हम अभी आपको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, कॉपी करके डाल दीजिएगा ताकि बाकी सब लोग उसको यहाँ पर देख सकें। मेरा दोस्तों हैप्पी बर्थडे आज नहीं होता है, बिना बात की बकवास मत कीजिए। नंबर वन। नंबर टू, दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दूँ आपको, अगर आपको करंट अफेयर्स को सही मायने में अपने काबू में करना है, उसको मास्टर करना है, तो इन तीन शोज़ को आपको लगातार देखना है। 6 AM का डेली करंट अफेयर्स MCQ जो कि आप का सबसे कम देखते हैं, 7 AM का द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल हाई करने के लिए, और फिर 12 बजे का NTPC का जो कि आपका मंडे से फ्राइडे आता है। तो जो लोग इनको देखते हैं अच्छी बात है, जो नहीं देखते हैं एक बार ज़रा लिख दीजिएगा हाँ सर अब से देखेंगे। टोटल मिलाकर आपको 1 से 2 घंटा लगेगा और आप पूरा करंट अफेयर जो है उनको देख पाएंगे। बाकी दोस्तों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, अगर आपको लगता है कि सही है, तो मेरा एक कोड है, उस कोड का दोस्तों नाम है कुश10। इस कोड का यूज़ आप कभी भी कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे अकेडमी प्लस पर, चाहे वो बैंक का कोर्स हो, रेलवे का हो, SSC का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, GA का हो, GS का हो, अगर आप सही लगे तो आप इस कोड को यूज़ करिएगा, जिससे कि मुझे बेनिफिट होगा और आपको भी दोस्तों यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कोई भी परचेज करें, यूज़ करें कुश10। तो चलिए शुरू करें और ले चलें आपको हमारे आज के पहले सवाल पर, जो कि ये रहा 2019 का जो रग्बी वर्ल्ड कप है वो इनमें से कहाँ पर हो रहा है। इसका उत्तर आपके सामने दोस्तों जो है वो है आपका जापान। जापान में दोस्तों आपका हो रहा है। अगर हम जापान की बात करें और इस पर ही फोकस करें, तो दोस्तों जापान वो शहर है जहाँ वो कंट्री है जहाँ का एक शहर है ओसाका। ओसाका में अभी हाल ही में आपका क्या हुआ है या क्या होने वाला है, आपका G20 का समिट, उस वजह से भी ये आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए है। 2019 का रग्बी वर्ल्ड कप जापान के अंदर आपका हो रहा है। सबको आंसर आ गया, कमेंट करिएगा यस। बाकी पवन ने बिल्कुल सही लिखा, अभी जापान में दोस्तों एक टाइफून आया है, उसका नाम है हगिबिस, जिसने करीब 60 से ऊपर लोगों की जान ले ली है, और ये एक बहुत ही फियर्स, बहुत ही एक रौद्र आपका टाइफून है, जो कि जापान के अंदर ही आपका दोस्तों आया है। अगर हम जापान की बात और करें, तो भारत और जापान मिलकर करने वाले हैं एक एक्सरसाइज, जिसका नाम है धर्मा गार्जियन। उस नाम को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए फटाफट आगे बढ़ें, और बाकी दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कम से कम 5 लोग को शेयर करना है। आज हमें दोस्तों 500 लोगों का टारगेट लेकर चलना ही चलना है। चलिए आगे बढ़ें, और समय समय पर मेरे को बताता रहे कितने बच्चे बढ़ते गए। मैं चाहूँगा यहाँ पर मेरे को जयिता या फिर सोनी बता दें कितने बच्चे हैं, और लगातार बताते रहे हर 10 मिनट पे कितने बच्चे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा। झूमर या झूमर इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, इनमें से किस राज्य का दोस्तों आपका लोक नृत्य है झूमर। तो इसका उत्तर है आपके सामने दोस्त ऑप्शन बी, जो कि है उड़ीसा। उड़ीसा का दोस्तों ये आपका लोक नृत्य है। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों आपका घूमर, कर्नाटका का लोक नृत्य है आपका यक्षगान, और त्रिपुरा का दोस्तों आपका जो है वो है चकमास। अगर हम इन स्टेट्स की दोस्तों बात करें, तो राजस्थान के जो इस समय गवर्नर हैं उनका नाम है क्या, उनका नाम है दोस्तों कलराज मिश्र। उड़ीसा गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। कर्नाटका गवर्नर का नाम आपको बताना है, अगर मैं सही हूँ तो वाजू भाई वाला। और त्रिपुरा गवर्नर का नाम है दोस्तों रमेश ब्यास। ये नाम यहाँ पर सही हैं। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। वाइट डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। और ये सफ़ेद डेजर्ट इसलिए नाम दे रहा हूँ बिकॉज ये थार रेगिस्तान का हिस्सा है, जो सफ़ेद मिट्टी से, सफ़ेद सैंड से आपका बना है। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, जो कि है गुजरात। गुजरात में आपका हिस्सा है, और इसे हम जानते हैं रन ऑफ कच्छ के नाम से, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है गुजरात के अंदर। कुछ हिस्सा गुजरात में है और कुछ हिस्सा इसका आपका सिंध पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने मैप, जहां पर आप देख सकते हैं। मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं इसको आपके लिए जूम कर दूं। दोस्तों ये वो हिस्सा है जो कि आपके सामने स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये कच्छ का एरिया है, ये रन ऑफ कच्छ है, और ये लिटिल है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको कोशिश करूँ बताने का आपको, तो दोस्तों ये है आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ, और ये है दोस्तों आपका लिटिल रन ऑफ कच्छ, और ये आपका पूरा एरिया है। तो ये पूरा एरिया में जो आपका ये दो एरिया है, रन ऑफ कच्छ और ये, मतलब एक ये एरिया और एक ये एरिया, ये एरिया को हम वाइट डेजर्ट के नाम से जानते हैं। चलिए
आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस वर्ष में अमर्त्य सेन ने आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था? 1999, 98, 2000 या 1997, इन विच ईयर डिड अमर्त्य सेन वन द नोबेल प्राइज? उत्तर यहाँ पर दोस्तों है आपका 1998, इस साल इन्होंने जीता था। दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज इस साल भी अभिजीत बैनर्जी जो हैं उन्होंने अपनी वाइफ और माइकल क्रेमर के साथ उनको मिला है इस साल का नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज़। तो आइए एक बार दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर, ये रहा वो इमेज जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो जो इनकी वाइफ हैं, और माइकल क्रेमर, ये दोनों दोस्तों आपके MIT से हैं जो कि एक US यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये जो आपके हैं ये हार्वर्ड से आपके ताल्लुक़ रखते हैं। तीनों को इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला है, और क्यों मिला है इनको? बिकॉज इन्होंने जो ग्लोबल पॉवर्टी है, जो वैश्विक आपकी गरीबी है, उसको कम करने के लिए नया अप्रोच इन्होंने दोस्तों दिया है। ये भी कलकत्ता से हैं और ये भी बंगाली हैं बेसिकली। चलिए, और कल बंगालियों के लिए बहुत, बंगालियों के लिए क्या, हमारे लिए, हम सब फैंस के लिए बहुत अच्छा दिन था बिकॉज कल ना सिर्फ इनको मिला नोबेल प्राइज़ बल्कि सौरव गांगुली बने हैं दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो BCCI के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे आने वाले 10 महीनों के लिए। सो जो लोग दादा के फ़ैन हैं ये बता लिख दीजिएगा, दादागिरी इज़ ऑन। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सरल सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सरल दोस्तों एक सूचकांक है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी EY और सरकार ने लॉन्च किया है। यहाँ पर कोशिश की गई है सोलर एनर्जी, सोलर रूफटॉप को बनाने की। तो किस राज्य ने मैक्सिमम जो सोलर रूफटॉप्स हैं उनको बनाया है? आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका जो राज्य दोस्तों आपके सामने है वो है ऑप्शन ए जो कि है कर्नाटक। फिर से ज़रा एक बार रिपीट कर लेते हैं, हम इन स्टेट्स के आपके गवर्नर, कर्नाटक के गवर्नर हैं आपके वजूभाई वाला, तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिल साई सुंदरराजन, गुजरात के गवर्नर हैं, कौन गवर्नर है गुजरात के, देवव्रत आचार्य, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर आपके हैं विश्वभूषण हरिचंद्र, ये यहाँ पर दोस्तों गवर्नर हैं। हयात एंड मूरत द आइकॉनिक कपल, क्या नाम है आपका, बाप रे बाप, फर्स्ट जो थे वो एक महाराजा थे विजयनगरम के, वो फर्स्ट थे आपके। चलिए कितने बच्चे दोस्तों देख रहे हैं जरा एक बार कमेंट सेक्शन बता दीजिए ज़रा, अगर कम देख रहे हैं तो 76 पढ़ेंगे सबको, क्योंकि भाई शेयर करना आप लोगों का काम है, और आज सेशन के अंदर मैक्सिमम लोगों को दोस्तों यहाँ पर लाना है, जल्दी से एक बार लिख देना कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर जो कि दोस्तों ये रहा, और ये रहा स्क्रीन पर। सरल का फुल फॉर्म आपको याद आ रखना है, सरल का दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इस फुल फॉर्म को रट्टा मार लेना है। इस इंडेक्स को डिज़ाइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने, साथ ही में अर्नस्ट एंड यंग ने, और इसको लॉन्च किया था मिनिस्टर ने जो है आपके पावर के और न्यू एनर्जी के, उनका नाम है RK सिंह, उन्होंने इसको अगस्त 21 को लॉन्च दोस्तों जो है वो किया था। 139 हो गए भाई, बढ़ाते रहो, इसको आज 500 पहुंचाना है हमें कुछ भी करके, लगातार बढ़ाते रहो, बहुत कम है सोनी जी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक इनमें से क्या था? 57, 52, 55 या आपका 51? व्हाट वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है वो था हमारा 52nd रैंक था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब एक सवाल बनेगा, सर हम तो 52 पे थे पर वो कौन सा देश था जो नंबर 1 पे था? तो आइए आपको दिखा देते हैं, ये रहा आपके सामने वो स्लाइड जो कि स्क्रीन पर आपके आ जाएगी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पर अगर जूम और कर दें आपके लिए ताकि आपको और दिख जाए, तो ये स्क्रीन पर आपके सामने है, स्विट्जरलैंड आपका नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, और USA आपका यहाँ पर नंबर 3 पे था। सो टॉप 3 मैंने बता दिए। NTPC में कई सवाल ऐसे भी आते हैं सेकंड कौन था, तो यहाँ सेकंड कौन है स्वीडन, थर्ड कौन है दोस्तों यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर जो है वो आपका USA है। इंडिया कौन सी रैंक पे, इंडिया आपका 52nd रैंक पे दोस्तों है। क्लियर हो गया सबको, कमेंट करिएगा यस सर यस सर यस सर, समझ में आ गया। कितने बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, अगर 200 नहीं हुए 2 मिनट के अंदर तो भाई बताना मत। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार इनमें से किस देश द्वारा PM मोदी को दिया गया है? कौन सा दोस्तों वो देश है जिसने दिया है आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड? अफगानिस्तान, इज़राइल, ओमान या फिर यमन, कौन सा वो देश है जिसने सम्मान दोस्तों जो है वो दिया है? इसका आंसर जो है दोस्तों वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ने सम्मान दिया है। खैर अफगानिस्तान का कैपिटल पता होगा आपको जो कि काबुल है, करेंसी क्या है यहाँ की दोस्तों आपकी अफगानी है। इज़राइल का कैपिटल क्या है दोस्तों आपका, वैसे तो टेल अवीव है पर कई देश एरूसलम या जेरूसलम को मानते हैं, और करेंसी यहाँ की क्या है दोस्तों, करेंसी यहाँ की है न्यू शेकल।
अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान का दोस्तों कैपिटल है आपका मस्कट। करेंसी यहाँ पर दोस्तों जो ओमान की है वो है रियाल। और आखिरी में यमन का कैपिटल है आपका सना और करेंसी यहाँ की दोस्तों क्या है आपकी रियाल। तो ये तीन चार चीज़ें यहाँ पर दोस्तों याद कर। 150 पार हो गया, क्या बात है भाई। 200 पार करना है विद इन 2 मिनट्स के अंदर। दबा के शेयर करो अपने टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पर। इस शो को हमें करंट अफेयर्स का बेस्ट शो बनाना है NTPC के लिए। लगातार आना है आप सबको दोस्तों। तो जितने भी टॉपिक आपके ग्रुप हैं टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के आपके होंगे, झूठ मत बोलिएगा, सब पे शेयर करिए दोस्तों। कंटेंट इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय इनमें से कहां पर है? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, जिनीवा या फिर दोस्तों आपका दी हेग? आंसर यहां पर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन सी, जो कि है आपका जिनीवा। जिनीवा में दोस्तों इसके मुख्यालय हैं। 1964 में दोस्तों आपका ये बना और डॉक्टर मुखीसा कितुई जो हैं वो दोस्तों इसके इस समय डायरेक्टर जनरल हैं। इस सवाल मेरा आपसे दोस्तों एक और बनेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनमें से कहाँ पर है? वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो दोस्तों यहाँ पर कहाँ से है? तो उसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है आपका ऑप्शन, वो है आपका ऑप्शन क्या? ऑप्शन डी, जो कि है दी हाग। एक 200 हो गए कि नहीं हुए ज़रा कमेंट करिएगा। 200 हुए कि नहीं हुए दोस्तों? करना है आपको आज 500, ये याद रखिएगा। अगर आप फॉलोअर हैं मेरे, शो को लगातार देखना चाहते हैं, तो भाई 500 आज चाहिए हमें। चलिए तो इसका आंसर क्या है दोस्तों आपका दी हेग। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही आसान सवाल है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनरली बताता नहीं, तो सरयू पाणीन और आपके कानिकुब्ज, ये दो ऐसे नाम हैं जिसमें कोई कहता है सरयू पाणीन ऊपर है, कोई कहता है कानिकुब्ज ऊपर है, मैं नहीं जानता भाई, ठीक है। पर यहाँ पर ये सरयू नदी जो है उसके उधर वाले सरयू पाणीन, इधर वाले आपके कानिकुब्ज हैं। तो इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है, द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन बी, जो कि है अयोध्या। 200 हुआ कि नहीं हुआ भैया? 200 करो जल्दी से। हाँ, आंसर क्या है दोस्तों? अयोध्या। बनारस की बात करें, बनारस में आपकी गंगा नदी है। कानपुर में दोस्तों आपकी गंगा नदी है। इलाहाबाद में दोस्तों आपके नदी का संगम है, जिसमें आपका गंगा नदी भी यहाँ पर आपकी आती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एक सेट में रोजर फेडरर को हराने वाले पहले भारतीय कौन? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बीट रोजर फेडरर इन अ सेट। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरा मैच जीत गए, पर उन्होंने एक सेट में फेडरर को हराया था। इनका नाम दोस्तों जो है वो है सुमित नगाल। ये दोस्तों भारत के उभरते हुए टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने ही रोजर फेडरर को अभी हाल ही में एक सेट में मैच तो हार गए, पर मैच का एक सेट इन्होंने दोस्तों जीत लिया था। पीवी सिंधु ने इनमें से किसको हराकर बेसल स्विट्जरलैंड में हुए बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता है? कौन है दोस्तों जिन्होंने जीता है, किसको हराया दोस्तों इन्होंने यहाँ पर है? तो इनका नाम दोस्तों जो है वो है आपका ऑप्शन डी, जो कि है नोजोमी ओकुहारा, जो जापान से हैं। इनको हराकर दोस्तों ये बनी है हमारी पहली, भारत की पहली वुमेन्स की वर्ल्ड चैंपियन इन बैडमिंटन। कहाँ पर यह हुआ आपका दोस्तों? ये इवेंट आपका हुआ एक शहर है आपका बासेल, जिसको लिख देता हूँ मैं स्क्रीन पर। शहर का नाम है बासेल या फिर बेसेल। यहाँ पर दोस्तों आपका ये इवेंट हुआ और यहीं पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़े दोस्तों। 200 हुए कि नहीं हुए जरा बताओ कमेंट सेक्शन में। जलवायु और SDG सिनर्जी सम्मेलन 2019 इनमें से कहाँ पर आयोजित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग दिस सम्मेलन वॉज हेल्ड? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, रोम, कोपेनहेगन, जकार्ता या मनीला। कहाँ पर आपका दोस्तों सम्मेलन ये आपका हुआ था? इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है, द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, जो कि है आपका कोपेनहेगन। यहाँ पर दोस्तों जो ये वर्ड है इसको याद रखिएगा, ये वर्ड का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसका फुल फॉर्म है। 2030 में करीब 17 आपके गोल्स हैं, जिनमें गरीबी भी है, जिनमें एजुकेशन भी है, जिनमें इक्वालिटी भी है। उनको दोस्तों अचीव करना है आपके कब? 2030 तक। ये यहाँ पर एक हमारा सेगमेंट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने किया? हर्षवर्धन, JP नड्डा, पीयूष गोयल या फिर PM नरेंद्र मोदी? और यहाँ दोस्तों जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन बी, जो कि JP नड्डा। जो लोग जानते हैं ये पिछली सरकार में आपके हेल्थ मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। इस सरकार में दोस्तों ये राज्यसभा के MP हैं। कहाँ से MP हैं दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश से MP हैं और इस समय ये वर्किंग प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता
पार्टी के। इनका नाम दोस्तों जो है वो है जगत प्रकाश नड्डा, वो यहाँ पर सही 203 हो गए, क्या बात है। अगला टारगेट है 300, आने वाले 3 मिनट में 300 चाहिए दोस्तों, चाहे कुछ हो जाए, लग जाओ, शहीद ना होना क्योंकि एग्ज़ाम देना है, पर लग जाओ सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, 300 होने चाहिए अगले 5 मिनट के अंदर। चलिए आगे बढ़े। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों ताकि हम एक ऐसा माहौल बनाए कंपटीशन का कि कंटेंट भी उच्च कोटि का हो और बच्चे भी उच्च कोटि को, तो मज़ा आएगा पढ़ाने में सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज जी कम हो जाए मत बताना, जब ज़्यादा हो जाए तो बताना। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बी बाला भास्कर को निम्न में से किसके लिए अगले भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। सवाल सिंपल है कि इनमें से कौन सा राज्य है या कौन सा स्टेट है या कौन सा कंट्री है जिसके एम्बेसडर बने हैं भारत की तरफ से आपके बी बाला भास्कर। देखो जो आपका न्यूज़ में रहेगा वही एग्ज़ाम में आपका आएगा। तो यहाँ दोस्तों आपका उत्तर जो है आपके सामने वो है ऑप्शन डी, जो कि है नॉर्वे। नॉर्वे के दोस्तों ये बने हैं एम्बेसडर भारत की तरफ से। नॉर्वे की बात करें यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों आपकी, ओस्लो। करेंसी यहाँ के दोस्तों क्या है, क्रोन। ओमान की बात करें, कैपिटल है मस्कट। करेंसी क्या है दोस्तों आपकी, रियाल। कतर का कैपिटल क्या है, दोहा। दोहा में क्या हो रहा है बताएं जल्दी से फटाफट, दोहा में आपका क्या हो रहा है। दोहा में दोस्तों आपका हो रहा है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, जहां पर इंडिया ने कोई भी मेडल जीता नहीं है, और रियाल यहां की करेंसी है। सिमिलरली कतर की बात करें, दोहा, हाँ। फिर बात करें इसराइल की, न्यू शेकेल यहां की करेंसी है, और टेल अवीव इसका एडमिन का सेंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर। लगे रहो दोस्त, 300 पहुंचाना है जल्दी से 2 मिनट के अंदर। देजन पापिक को इनमें से किस खेल का भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। देजन पापिक के मशहूर कोच हैं। सवाल मेरा बहुत आसान आपसे है, इनमें से किस टीम के कोच के तौर पर दोस्तों वो काम कर रहे हैं। उत्तर यहाँ पर दोस्तों जो है वो है आपका टेनिस। टेनिस के कोच के तौर पर दोस्तों जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल काम कर रहे हैं। 200 लोग हो गए, 9 लोग डिसलाइक भी कर दिए, भाई कुछ गलती की मैंने क्या, माफ़ कर देना। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दोस्तों, 300 पहुंचाना है 2 मिनट के अंदर। चलिए आंसर यहाँ क्या है, ऑप्शन बी जो कि है आपका टेनिस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पद्मनाभ आचार्य निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर बने हैं, असम, सिक्किम, आंध्रा या फिर आपका मणिपुर। पद्मनाभ आचार्य दोस्तों जो हैं ये इनमें से किस राज्य के राज्यपाल आपके बने हैं। इनका नाम दोस्तों जो है वो बने हैं मणिपुर के। दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो है, अब इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला, तो ये आप क्रॉस कर दीजिएगा। आंध्रा के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंद्रन, सिक्किम के गंगा प्रसाद, असम के तो पता ही होगा आपके जगदीश मुखी, यहाँ के दोस्तों आपके जो हैं वो राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर। भारत के लिए पहली बार शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे। जाहिर सी बात है आज़ादी के पहले या बाद की बात होगी, आसपास की बात होगी, तो इनका नाम दोस्तों जो है वो है लाला अमरनाथ। ये मोहिंदर अमरनाथ जिन्होंने हमें विश्व कप दिलाया 1983 का, उनके पापा हैं, और ये भारतीय कप्तान भी रहे काफ़ी लंबे समय से। ये दोस्तों पहले शतकवीर थे, पहले सेंचुरियन थे भारत के, इनका नाम था लाला अमरनाथ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पदार्पण पर 3 टेस्ट शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज दुनिया के कौन थे। देखो ये इंडियन थे और एक ही नाम इंडिया का है, उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद अजहरुद्दीन। पहले 3 टेस्ट मैचेस में लगातार 3 शतक इन्होंने ही दोस्तों आपके जो हैं वो बनाए, इनका नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुरुषों का एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का खिताब इनमें से किसने जीता। आसान सवाल है, कौन है जो विनर हैं, एक ही नाम यहाँ दिख रहा है मेरे को, और वो हैं दोस्तों आपके नोवाक जोकोविक। सर्बिया से बिलोंग करते हैं और इस साल के ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन का नाम दोस्तों है आपका नोवाक जोकोविक। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 31 अक्टूबर को इनमें से क्या मनाया जाता है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31st of October। विश्व विकास सूचना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, या इनमें से कोई नहीं। क्या मनाया जाता है दोस्तों आपका 31 अक्टूबर को। फटाफट आंसर करते रहे दोस्त, जल्दी से फटाफट। एंड इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है, द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन सी, नेशनल यूनिटी डे। अब एक सवाल मेरा आपसे दोस्तों ये है, दो सवाल मेरे आपसे हैं। पहला सवाल आपसे है कि इस दिन किसका जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पर इस दिन कौन सा नया अवार्ड अमित शाह ने
घोषित किया है। तो पहले का आंसर जो है वो जल्दी बता दो फटाफट। हाँ, पहले का आंसर मेरे को आ गया है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे पड़ता है, और इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर राष्ट्रीय एकता का सर्वोच्च सम्मान भी दिया जाएगा। वो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपका दोस्तों आ सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर राजन पांडे, उन्हें हम भारत का लौह पुरुष या भारत का आयरन मैन भी दोस्तों कहते हैं। एक सवाल कल पीओ मेंस में आया था, सवाल था कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उनका आंसर जो था आपका वो था अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर बनेगा कि भारत के दूसरे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री के तौर पर किसने काम किया है, उनका आंसर दीजिएगा। तो उनका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है लाल कृष्ण आडवाणी। ये दोस्तों जो हैं ये दूसरे यहाँ पर दोस्तों हमारे जो हैं वो चैंपियन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 260 लोग हो गए, जल्दी से फटाफट 300 पहुँचाओ, जल्दी से आज 500 करना है हमें। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 10वीं मीकोंग गंगा सहयोग मंत्री स्तरीय बैठक इनमें से कहाँ पर आयोजित की गई थी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज द 10th मीकोंग गंगा कोऑपरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड, नॉमपेन, बैंकॉक, हनोई या फिर आपका नेपियतेफ, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था आपका 10th मीकोंग गंगा कोऑपरेशन। तो इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है वो है आपका बैंकॉक में। अब एक सवाल आएगा सर कि ये जो नाम दिया ना आपने मीकोंग गंगा, ये है क्या? तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ ये मीकोंग गंगा से हम क्या समझते हैं। दोस्तों मीकोंग गंगा एक संगठन नहीं है, एक अग्रीमेंट है, जो अग्रीमेंट आपका इस्टेब्लिश हुआ है नवंबर 10, 2000 में, कहाँ पर, वियंटियान लाओस में, लाओस का जो शहर है वहाँ पर हुआ है। इसमें कुल मिलाकर आपके 6 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है और आपका वियतनाम है, ये इसके मेंबर्स हैं। समझ में आ गया सबको, कमेंट करिएगा यस सर यस सर यस सर, हमें समझ में आ गया है, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर। दोस्तों शेयर तो करते ही रहो, व्यूअर बढ़ाते ही रहो, साथ साथ लाइक भी करते रहो। FATF, पहली बात तो FATF का फुल फॉर्म ज़रा बता दो। इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सवाल पहला क्या है यहाँ पर, कितने मेंबर हैं इसके, तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार, पहले तो ये कर लेते हैं। मेंबर कितने हैं दोस्तों आपके, 39। पहला सवाल, क्या इसका पाकिस्तान मेंबर है, हाँ भाई हाँ पाकिस्तान इसका मेंबर है। थर्ड सवाल, पाकिस्तान क्यों न्यूज़ में है, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस साल भी पूरी संभावना है कि FATF उसको ग्रे लिस्ट में डालेगा, मतलब उस पर आरोप लगाएगा कि आपने आतंकवाद और करप्शन दोनों ही मामलों में आप पीछे हो, आपको सही करना है, और अगर इस साल भी लगा तो अगले साल कंफर्म किस में जाएगा दोस्तों, वो ब्लैक लिस्ट में, तब उसको जो फंडिंग मिलती है ना किससे, IMF से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, वो फंडिंग फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अक्टूबर 2019 तक कितने भारतीयों को अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, 7, 2, 3 या फिर 5, कितने दोस्तों आपके अकादमी अवार्ड विनर हैं जिनको, जो भारत से हैं, 7, 2, मैंने कहा 280, 250 से कम हो गए भाई, कोई गलती कर दी है मैंने क्या, अच्छा लग रहा है तो आ जाओ, नहीं लग रहा है चले जाओ। हाँ, सवाल मेरा आपसे कितने हैं, आइए गिनते हैं, भानु अथैया, ठीक, सत्यजीत रे, ठीक, AR रहमान, 3, गुलजार, 4 और रेसुल पुकुटी आपके 5। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो क्या है आपका, ऑप्शन डी जो कि है आपके 5। आगे बढ़ते हैं, विशेष प्रायोजन ट्रस्ट निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, किससे संबंध है आपका दोस्तों विशेष प्रायोजन ट्रस्ट फंड का, तो इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन डी जो कि है आपका UN ही है जो स्पेशल पर्पस के लिए फंडिंग दोस्तों प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस खेल के साथ आगा खान ट्रॉफी या आगा खान कप जो है उसका यहाँ पर दोस्तों जो है वो संबंध है, कौन सा दोस्तों वो ट्रॉफी जिससे कि संबंध है आपका आगा खान कप या फिर आगा खान ट्रॉफी का, इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन डी जो कि है आपका हॉकी, हॉकी में ही आपका होता है आगा खान कप। अब एक सवाल मेरा आपसे है, महालक्ष्मी डर्बी का संबंध किससे है, उसका आंसर है आपका हॉर्स रेसिंग,
ऑप्शन बी से, याद रखिएगा महालक्ष्मी डब्ल्यू किससे दोस्तों आपका, हौसे सिंह से। एक सवाल और आप पूछता हूँ आपसे, अभी हाल ही में टेबल टेनिस का कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ था भारत में, सवाल है इस चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था, क्या था वो वेन्यू, क्या था वो स्थल कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा दोस्तों आपका कोची, कोची में वो आपका स्थल था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 2021 AIPA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इनमें से कहां पर आयोजित की गई थी, इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है आपका नई दिल्ली। अच्छा यहां पर अगर हम बात करें नूर सुल्तान की, दोस्तों यहां पर जो कुश्ती चैंपियनशिप है जिसमें कि भारत को करीब मिले 5 मेडल, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, चाहे वो राहुल अवारे हो, चाहे वो दीपक पुनिया हो, इन सबको दोस्तों ये सम्मान मिला था, और ये आपका कहाँ हुआ था दोस्तों आपका नूर सुल्तान में। सवाल यहाँ पर एक और बनेगा कि अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है आपका वर्ल्ड वुमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अब सवाल मेरा आपसे है कि जो वर्ल्ड वुमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ, तो उसका जो आंसर होगा दोस्त उसका आंसर होगा आपका, लिख देता हूँ यहाँ पर, उलान उदे, जो कि आपका एक शहर है रशिया में, यहाँ पर ये चैंपियनशिप आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 2020 में गोवा में किस राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, कौन सा संस्करण है जिसका आयोजन दोस्तों आपका किया जा रहा है इन गोवा, तो इसका उत्तर देना है आपको, इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है आपका 36वां आपका जो नेशनल गेम्स है वो आपका होगा इन गोवा, कब होगा 2020 में दोस्तों आपका ये होने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, भारतीय 15वें वित्त आयोग के इनमें से अध्यक्ष कौन हैं, नाम सब में ऑप्शन पहले दो तो सही हैं, बाद के थोड़े अलग हैं, कौन है दोस्तों यहां पर अध्यक्ष, तो इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है, द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए, जो कि है दोस्तों आपका यहां पर एनके सिंह, पूरा नाम यहां पर दोस्तों जो है वो है आपका नंद किशोर सिंह, वो यहां पर इसका सही जवाब है। 282 लोग देख रहे हैं दोस्तों, 500 पहुंचाना है, जल्दी से पहुँचाओ 300 और फिर हम 500 की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आपका एनके सिंह। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अच्छा एक सवाल यहाँ पर बनेगा कि सर ये करता क्या है, एक फाइनेंस कमीशन का मेन मकसद क्या होता है, देखो फाइनेंस कमीशन परिभाषित करता है, डिफाइन करता है टैक्स के रिश्ते, वित्तीय रिश्ते स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार उनके बीच का जो एक रिश्ता है वित्तीय तौर पर उसको कौन परिभाषित करता है आपका, ये मोटा मोटा बताऊँ तो टैक्स का जो हिस्सा है किसको कितना मिलेगा वो कौन बताएगा आपका, वो आपका ये वित्त आयोग आपका बताएगा। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कितने हुए सर लोग, भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति इनमें से एक क्या है, व्हाट इज अ पंचायत समिति इन द ब्लॉक लेवल, इसका उत्तर यहां पर दोस्तों आपके सामने जो है द आंसर इज इट इज एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या फिर एक प्रशासनिक आपकी प्राधिकरण है अगर हम बात करें एक पंचायत समिति की, तो ठीक है ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दस्त ए काविर रेगिस्तान इनमें से कहां पर है, वेयर इज दस्त ए काविर डेजर्ट, इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, जो कि है आपका ईरान, ईरान में आपका है। एक सवाल आपसे यहां पूछूंगा, एक और, सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में आपका है, कौन से महाद्वीप में आप सहारा डेजर्ट को दोस्तों पाते हो, तो इसका आंसर दोस्तों जो है वो है आपका अफ्रीकी जो आपका महाद्वीप है वहां पर इसको दोस्तों आप जो है वो पाते हो। चलिए आगे बढ़े, 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो इनमें से कहां पर आयोजित किए गए थे या किए जाएंगे, माफ करना, सिडनी, पेरिस, लॉस एंजलिस या फिर आपका कोपेनहेगन, उत्तर यहां पर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन सी, जो कि है आपका लॉस एंजलिस, यहां पर दोस्तों इनका आयोजन आपका 2028 में जो है वो किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल, यू आर यूनिक एक किताब है, इसके इनमें से लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम, खुशवंत सिंह, तस्लीमा नसरीन या फिर अरविंद अटिका, किताब का नाम है यू आर यूनिक, इस किताब के जो ऑथर हैं उनका नाम दोस्तों है मरहूम भारत के सर्वश्रेष्ठ भारतीय APJ अब्दुल कलाम, बाकियों की बात करें तो खुशवंत सिंह किताब एक बहुत ही फेमस है, उस किताब का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, तस्लीमा जी की बात करें इन किताब का नाम है लज्जा,
और अरविंद अडिगा जो कि एक बुकर प्राइज़ विनर हैं, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ऑथर सम्मान जीता बुकर प्राइज़, उनकी बुक का नाम है द वाइट टाइगर, वो इन्हीं की बुक का दोस्तों आपका नाम है। यहाँ तक समझ में सबको आया? एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा यस सर यस सर यस, जल्दी से। बुद्धि प्रकाश, नहीं डालूंगा पीडीएफ सर, मतलब सिर्फ पीडीएफ लेने आते हैं क्या सर? ग्रेट ग्रेट सर, आपके लिए मैं पीडीएफ नहीं डालूंगा सर, पहला। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ आपको मिलेगा शो के बाद, और उन्हीं को मिलेगा। अब तो चलो पीडीएफ मैं शो के बाद डालूंगा नहीं, पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, ग्रुप का नाम लिख लो कुश सर ग्रुप ऑफ चैंपियंस, रीज़न है उसका। आओगे कुछ पढ़ोगे, आते हो शो के बीच में और कहते हो पीडीएफ डालो, नहीं मिलेगा सर। अब पीडीएफ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप, ग्रुप का नाम है कुश सर ग्रुप ऑफ चैंपियंस, उस ग्रुप पर आओ, वहाँ पीडीएफ लेके जाओ। चलिए आगे बढ़े, ले चले आज। हाँ दोस्तों, आज जन्मदिन है कलाम सर का, तो हैप्पी बर्थडे अब्दुल कलाम जी। और उम्मीद करते हैं आप जैसे महा, जैसे आपने अपना लाइफ जिया, उम्मीद करते हैं हम उसका अगर 10% या 1% में जी लेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ये पुस्तक जो है इसके लेखक इनमें से दोस्तों कौन है? उत्तर यहाँ पर है आपका डॉक्टर, अगेन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे आते, पहली इंटरनेशनल एग्रो बायोडायवर्सिटी कांग्रेस इनमें से कहाँ पर आयोजित की जा रही है? नाम समझिएगा ध्यान से, पहली अंतर्राष्ट्रीय एग्रो बायोडायवर्सिटी कांग्रेस, तो इसका उत्तर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी, जो कि है आपका नई दिल्ली, यहाँ पर दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विंटर सॉल्स्टिस, आसान सवाल है, सवाल रेलवे में आता है कई बार, शीतकालीन संक्रांति वर्ष की किस तारीख को होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या आपका 22 दिसंबर? इसका उत्तर आपके सामने दोस्तों जो है वो है ऑप्शन डी, जो कि है आपका 22 दिसंबर, इस तारीख को आपका होता है विंटर सॉल्स्टिस या फिर शीतकालीन संक्रांति। आगे बढ़ते हैं, आज दिन होता क्या, इस दिन आपकी रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है, किस दिन? विंटर, इसका उल्टा कहाँ कब होता है दोस्तों? आपका समर में, जब आपका दिन बड़ा होता है और रात आपकी छोटी होती है। तो चलिए आगे बढ़ें, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फोक डांस इज अल्पना? अल्पना एक अच्छा नाम भी है एक लड़की का, बड़ा सुंदर नाम है, और ये इनमें से किस राज्य का एक लोक नृत्य भी है? तो दोस्तों यहाँ आंसर जो है आपका वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का दोस्तों ये एक खास तौर पर एक लोक नृत्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 300 लोग अगर हो गए बता देना, और 300 के बाद 500 आज करना है हमें दोस्तों, कुछ भी करके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, इस पुस्तक के दोस्तों कौन है, इस पुस्तक के दोस्तों कौन है हमारे यहाँ पर ऑथर? चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर जो है आपके सामने, द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन सी, जो कि है आपका लुई कैरल, ये हैं जो कि एलिस इन वंडरलैंड के ऑथर हैं, और बहुत ही फेमस किताब है, इसके बारे में भले आपने पढ़ा नहीं होगा पर ये बहुत ही फेमस किताब आपकी आजकल चल रही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल, भारत किस देश के साथ सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? समझिएगा ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो इनमें से किसके साथ है? बांग्लादेश, चाइना, नेपाल या फिर आपका भूटान, किसके साथ सबसे लंबा आपका जो बॉर्डर है वह है? इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। एग्जैक्टली मैं बताऊं आपको तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो लाल से लिखा हुआ है, ये आपका दोस्तों जो है ये आपका वो बॉर्डर है जो कि आपके लाल से यहाँ पर आप देख सकते हो दिया हुआ है, ये आपका दोस्तों जो है ये बॉर्डर है, इसका जो लेंथ है दोस्तों वो है 4096 किलोमीटर और ये सबसे लंबा बॉर्डर है। इस बॉर्डर का दोस्तों नाम जो है वो है पूर्विया, क्या नाम है इसका? पूर्वांचल जो है वो दोस्तों इस बॉर्डर का यहाँ पर नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 डिसलाइक हैं, 250 लाइक्स हैं और 300 लोग देख रहे हैं, भैया बड़ी नाइंसाफी है,
चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सी के नायडू कप निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? सी के नायडू अगर हम बात करें तो इसका आंसर तो क्या क्रिकेट है। सी के नायडू भारत के पहले आपके कप्तान थे खासतौर पर टेस्ट मैचेस के, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो होगा आपका वो आंसर आपका होगा क्रिकेट, इससे संबंध था दोस्तों सी के नायडू कप का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बैरन आइलैंड या बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह इनमें से कहाँ पर है? जो बैरन आइलैंड है वहाँ पर भारत का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो वहीं पर है, ये वोल्केनो का इनमें से लोकेशन क्या है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय, कहाँ पर दोस्तों ये है? इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, जो कि है आपका निकोबार आइलैंड, यहाँ पर आपका स्थित है द बैरन आइलैंड, बिल्कुल सही जवाब है आपका दोस्तों ये। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट इनमें से किसके द्वारा बदला जा सकता है? पहले तो बात समझना ध्यान से और मैं कोशिश करूँ समझाने की आपको, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रुपी को हम डॉलर से कंपेयर करते हैं, अगर डॉलर बहुत बढ़ता जाए और रुपी आपका बहुत घटता जाए तो इंडिया क्या होगा दोस्तों? इंडिया भी गिर जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, इसको मैनेज करने का जिम्मा दिया गया है आरबीआई को, जिसे फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर भी दोस्तों आपका कहा जाता है। तो समय समय पर जब आपका रेट भारत के अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, भारत के अगेंस्ट होता है, तो आरबीआई दखल देती है और उस रेंज को, उस रेट को दोस्तों बेहतर करती है, चाहे अपने रेट्स को कम करके करे, बढ़ाकर कैसे भी करे, वो इस जो एक आपका लिंक है रुपी का डॉलर से, इसको एक सीमा तक ही बरकरार रखती है ताकि नुकसान इंडिया का बहुत ज़्यादा ना हो। तो यहाँ आंसर जो होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो कि है आरबीआई। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा इनमें से दोस्तों कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? दोस्तों अब तो समझ जाओ 300 लोग हैं लगभग, अगर आप सबने भी किसी हर एक ने एक एक भी शेयर किया तो आज 500 में पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो आपको करना डेली आना है आपको दोस्तों, 12 बजे सेशन होता है मंडे से फ्राइडे नॉन स्टॉप और ये लगातार होगा, तो अगर आप चाहते हैं लगातार होना तो जल्दी से वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो। तो इसका दोस्तों आंसर जो आपके सामने है, तो हाँ इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है वो है आपका एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में दोस्तों आपकी बनी थी, होम रूल या होम राइट्स मूवमेंट की ये एक अधिवक्ता थी और यही हमारी पहली, ये हमारी नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। थोड़ा एक खेल नृत्य है वो इनमें से किस राज्य का है? The answer is, it is option C, जो कि है आपका हिमाचल। एक सवाल पे आते हैं। टिस्को या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो आपका है ये इनमें से कहाँ पर आपका स्थित है, कहाँ पर, सॉरी ये कब आपकी बनी? उत्तर यहाँ पर दोस्तों जो है ये आपको निषाद में जमशेदपुर में दोस्तों इसके कई सारे प्लांट हैं और ये आपका वहीं पर एक तरह से आपका बना था। फटाफट दोस्तों जल्दी से आंसर करते जाइए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका उत्तर आपके सामने दोस्तों जो है वो है आपका आर्टिकल 19, इसके तहत दोस्तों आपका ये जो है ये किया जाता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज जरा गौर कीजिएगा कि अभी हाल ही में इस पर सवाल पीओ मेंस में आया था कि जो आर्टिकल 19 है उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब दोस्तों हमने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा आपके सामने। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र इनमें से किस प्रदेश में पाए जाते हैं? जो लोकप्रिय आपके गुफा बाघ प्रिंटिंग्स हैं वो इनमें से कहाँ पर हैं? इसका आंसर रट्टा मार लीजिएगा, आंसर है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश। आते हैं हमारे अगले सवाल पर। भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य या कितने आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 15, 11, 13 या फिर दोस्तों आपका 17? उत्तर यहां पर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी, जो कि है आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों आपकी इसके अंडर आती हैं। और आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट सवाल पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इनमें से किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों दो योजनाएँ हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
दोनों योजनाओं का जो मेन फोकस है वो एक ही है। एक योजना आपकी बहुत ही सस्ती है, एक योजना आपकी 330 रुपए की है। तो यहाँ पर सवाल मेरा आपसे है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसका संबंध किससे है? वित्तीय समावेशन से, दुर्घटना बीमा से, जीवन बीमा से, या फिर आपके स्वास्थ्य बीमा से? अच्छा, पहली बात तो समझना यहाँ पर कि स्वास्थ्य बीमा तो नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है दोस्तों, इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। तो ये तो आपका आंसर यहाँ पर नहीं होगा, क्लियर। अब सवाल मेरा आपसे है कि क्या है फिर? तो यहाँ जो आंसर आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, जो कि है एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत आपकी योजना दोस्तों जो है वो बनाई गई। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? भाई अगर पसंद आ रहा है सेशन, 330 लोग देख रहे हैं, हल्का सा शेयर मारोगे, हल्का सा लोगों को बुलाओगे तो 500 आज पहुंच जाएंगे। तो दबा के वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्धमान महावीर इनमें से किस भाषा में शिक्षा देते थे? सुनिए ध्यान से, प्राकृत, हिंदी, पाली, या फिर दोस्तों आपका संस्कृत। कौन सी भाषा में जो वर्धमान महावीर हैं वो शिक्षा देते थे? प्राकृत, हिंदी, पाली, या फिर दोस्तों आपका संस्कृत। यहाँ जो उत्तर आपके सामने है उसका आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है प्राकृत। प्राकृत भाषा बहुत ही दुर्लभ भाषा है, बहुत ही रेयर भाषा है। आजकल इस भाषा के बहुत सारे जानकार नहीं बचे हैं, उसी भाषा में दोस्तों आपके देते थे। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर प्राकृत में वर्धमान महावीर देते थे तो कौन सी भाषा में गौतम बुद्ध देते थे? बताइएगा, पाली में, हिंदी में, संस्कृत में, किस भाषा में आपके गौतम बुद्ध दोस्तों देते थे अपना प्रवचन? जल्दी से बताइएगा। तब तक मैं आपको एक बहुत ही बेसिक बात बताता हूँ दोस्तों। देखो, समय के साथ इंसान का दिमाग ख़राब होता है अगर वो अच्छी चीज़ ना सोचे। समय के साथ इंसान की इंसानियत ख़राब होती है अगर वो अच्छे लोगों के साथ ना रहे। समय के साथ इंसान बर्बाद होता है अगर उसकी संगति बेकार हो। तीनों चीज़ों में एक चीज़ सेम है, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपका मानना हो, चाहे आपके दोस्त हो, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ गलत है तो आप गलत संगति में हैं। तो मेरी कोशिश करिए दोस्तों, अगर कोई दोस्त नहीं है मतलब नहीं है, मैं आपके साथ हूँ दोस्त, मैं यहाँ पर हूँ। मैं रोज़ सुबह 8 से 8:30 बजे फ्री रहूँगा आधे घंटे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल रहूँगा और आगे चलकर मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करूँगा जहाँ पर आप मुझे से बातचीत कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो। कितने लोग सहमत है कि मैं ऐसा करूँ? बिकॉज देखो, मेरी उम्र ज़्यादा है, कम लगती है चेहरे से, मैंने लाइफ देखा हुआ है और आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो दोनों ही चीज़ों में आपकी हेल्प करूँगा। फिलहाल के लिए टेलीग्राम पर कल से, मंडे से फ्राइडे 8 से 8:30 में अवेलेबल रहूँगा आपसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, पहला। दूसरा, एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अगले हफ्ते दे दूंगा जिससे आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं अगले हफ्ते से। ठीक है, चलिए। तो जल्दी से दोस्तों इसी बात पे वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दो। और एक और चीज़, अगर आपको सही लगे तो अनअकैडमी प्लस पर अगर आप जाकर बैच लेते हो मेरा किसी और का, कोड आपको एक ही यूज़ करना है, उस कोड का नाम है KUSH KUSH10। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि दोस्तों ये रहा। गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक इनमें के लेखक इनमें से दोस्तों कौन हैं? विशाल सिक्का, तरुण खन्ना, यशवर्धन शुक्ला, या फिर आपका अमिताभ घोष? कौन है दोस्तों इस किताब के लेखक? इस किताब का नाम है आपका गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका। इस किताब के लेखक दोस्तों इनमें से कौन है? इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों है, द आंसर इज, ये है आपका ऑप्शन सी, यशवर्धन शुक्ला। ये दोस्तों जो हैं ये इस किताब के आपके लेखक हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे अगले सवाल पर। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आज करीब 360 लोग यहाँ पर दोस्तों आए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वन करूँ तो बस थोड़ा सा सेल्फिश हूँ मैं, बस आपको दोस्तों 1000 बच्चे यहाँ लेके आने हैं। उस दिन मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप मेरे से दिन भर में, मैं एक टाइम लगा दूंगा आपको आधे घंटे का, उस घंटे में आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। इसका PDF अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, ग्रुप का नाम है कुछ सा ग्रुप ऑफ चैम्पियंस। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मेरी ईमेल, मेरा आईडी है eternaloptimist 11, वहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपसे हम और जल्द। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, और जय हिंद और जय भारत।